एक बार की बात, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ जंगल की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें आगे बढ़ते हुए एक पेड़ के नीचे जमा पानी में एक बिच्छू बाहर निकलने के लिए प्रयास करते हुए दिखा। उन्होंने देखा कि बहुत प्रयासों के बावजूद भी बिच्छू बाहर नहीं निकल पा रहा था। बिच्छू को पानी में डूबते हुए देख महात्मा के मन में दया जागृत हुई। उन्होंने बिच्छू को पानी से बचाने के लिए अपने हाथ को उसकी तरफ आगे बढ़ाया, परंतु बिच्छू को अपनी ओर खतरे का आभास होता देख उसने महात्मा के हाथ पर अपने तेज डंक का प्रहार किया। उस बिच्छू के तेज डंक से महात्मा को बहुत ही ज्यादा पीड़ा हुई, फिर भी उन्होंने अपनी पीड़ा को ना देखते हुए महात्मा ने उसे बचाने के लिए दोबारा अपने हाथ को उसकी ओर आगे बढ़ाया, परंतु इस बार भी बिच्छू ने अपने डंक का तेज प्रहार किया। इसी तरह महात्मा का बचाना और बिच्छू का डंक मारना, यह प्रक्रिया कई बार तक चली। बिच्छू के तेज डंकों से महात्मा को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन अपनी इस पीड़ा को ना देखते हुए महात्मा फिर भी अपने प्रयासों में डटे रहे। लेकिन अंत में महात्मा अपने प्रयासों में सफल हुए और बिच्छू को पानी से बाहर निकाल लिए। जैसे ही बिच्छू पानी से बाहर निकला, वैसे ही तुरंत वो वहां से चला गया। इस बचाने की प्रक्रिया में महात्मा के हाथ पर बिच्छू 7 से 8 बार डंक मार चुका था। इतनी बिच्छू से पीड़ा होने के बावजूद भी महात्मा के चेहरे पर दर्द का एहसास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो मुस्कुराते हुए शिष्य के सामने खड़े हो गए। महात्मा के समीप शिष्य खड़ा होकर ये सब देख रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। जैसे ही बिच्छू बाहर निकला, उसने महात्मा से पूछ लिया कि हे महात्मा, जब आपको बिच्छू इतना तेज डंक मार रहा था तो आपने उसे क्यों बचाया? उसे पानी में ही रहने देना था। शिष्य का सवाल सुनकर महात्मा मुस्कुराते हुए बोले कि डंक मारना तो बिच्छू का स्वभाव है, उसे नकारा नहीं जा सकता। इस जवाब को सुनकर शिष्य ने महात्मा से कहा कि फिर आपने उसे बचाना क्यों नहीं छोड़ दिया? वैसे ही पानी में छोड़ देना था, वो आपको कितना आहत कर रहा था। शिष्य की इस बात को सुनकर महात्मा फिर मुस्कुराते हुए बोले कि जब बिच्छू जैसा कीड़ा डंक मारना नहीं छोड़ सकता तो मैं स्वभाव से साधु हूँ, भला मैं कैसे अपने स्वभाव को त्याग देता और इस बिच्छू को बचाना छोड़ देता। महात्मा की अमृतवाणी सुनकर शिष्य उनके सामने नतमस्तक हो गया। इस कहानी से एक बात साफ हो जाती है कि व्यक्ति को अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में अपने स्वभाव को शांत बनाकर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।